अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम घर की वायरिंग के हवाले से जो है हमने आज वीडियो बनाई है। इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि सॉकेट जो है वो बुरी तरीके से जल चुका है, और सॉकेट जलने की वजह बहुत सारी होती हैं। समटाइम जो है वो प्लग की लूजिंग या ओवर लोडिंग की वजह से भी जो है प्लग भी और सॉकेट भी जल जाता है। सॉकेट में जो दो पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल का पॉइंट होता है और एक फेस का पॉइंट होता है। एक में सप्लाई दी जाती है और दूसरे से वापस रिटर्न की ली जाती है। तो इसमें जो है दो सॉकेट हैं इस बोर्ड के अंदर, तो इन्होंने जो है वो न्यूट्रल पॉइंट कॉमन रखा है हमारे भाई ने, और फेस जो है वो ऑन ऑफ स्विच के थ्रू सॉकेट को दिया गया है। अब जो है ये सॉकेट चेंज कर रहे हैं, और जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा जो है वो सॉकेट इस्तेमाल किया जाए, यानी कि क्वालिटी वाइज अच्छा हो और उसके एम्पियर्स भी ज़्यादा हो, जो कि इसमें मेंशन होते हैं। 15 एम्पियर का भी होता है, 30 एम्पियर का भी होता है, और उससे कम भी होते हैं। एज इट इज़ आपको दुकान से मिल जाएंगे किसी भी शॉप से। सो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो इन केस ऑफ लोड बढ़ जाने की वजह से जो है आपको आपका सॉकेट के ऊपर जो है वो असरअंदाज ना हो और वो जले नहीं, क्योंकि वायरिंग का जलना भी जो है वो कोई ख़तरे से खाली नहीं होता घर के अंदर। मगर ये घर के अंदर जो है, जब भी आप इस तरीके से कोई भी काम करें तो अपने घर का मेन ब्रेकर ज़रूर बंद कर लें, ताकि जो है वो आपको करंट वगैरह लगने की जो है वो खदशात ना रहें। इन्होंने भी अपने घर की कोई ना कोई चीज़ ब्रेकर वगैरह जो है वो, या जहाँ से सप्लाई आ रही होगी उसको डेफिनेटली बंद किया होगा, ताकि जो है इनको करंट ना लगे। और इन्होंने जो है ये देखिए सॉकेट की जो है वो कनेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये बोर्ड को अपने तरीके से जो है वो बंद कर रहे हैं, कहीं से जो है वो लूजिंग वगैरह ना हो। इलेक्ट्रिक के मामलात होते हैं, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और ये देखिए अब ये प्लग की जो है वो सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है ये प्लग भी डैमेज हो गया था, क्योंकि जो है वो सॉकेट के अंदर लूजिंग की वजह से इनका कोई इशू था, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डैमेज हो गई थी। सो अब ये जो हजरत हैं, अब ये अपने घर का प्लग जो है वो सही कर रहे हैं। इन्होंने जो है प्लग जो है, अच्छा प्लग भी जो है वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक के मामलों में जो है एक बंदे को जो है वो थोड़ा सा मुहतात होना पड़ता है, क्योंकि घर में बच्चे वगैरह भी होते हैं और लेडीज़ भी होती हैं, तो उनका ख़ास तर ख्याल रखते हुए ऐसी चीज़ों को जो है वो अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर का लें, ताकि जो है वो जलने का जो है वो कोई सवाल ना हो। ये देखिए इन्होंने प्लग की वायरिंग कर ली है और इसको कनेक्ट करके ऑन ऑफ करके चेक कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी तरीके से आगे भी मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की मुहैया करता रहूँगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।